दोस्तों जिंदगी में काम और मस्ती, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं चीजों को आसान करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मस्त एप्लीकेशन, जिसके जरिए आप WhatsApp में खुद के स्टिकर्स क्रिएट करके दोस्तों के साथ मस्तियां कर सकते हैं। अरे मैं बात कर रहा हूँ WhatsApp के स्टिकर्स के बारे में। मतलब आज हम अपनी कंपनी के लोगों के स्टिकर्स, पिक्चर के स्टिकर्स, वीडियोस के स्टिकर्स, मतलब आज हम वीडियो के स्टिकाना सीखेंगे। वाव वाव यार, जो चाहे यार, फनी टेक्स्ट के स्टिकर्स, हर तरह के स्टिकर्स बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले क्विकली मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी किस्म के हार्ट स्टिकर्स, लव स्टिकर्स, छोड़ो यार ये नहीं कहना, मरेंगे ये लोग, और तरह तरह के बहुत खूबसूरत स्टिकर्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी प्ले स्टोर से, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर आप मेरी वेबसाइट मतलब ब्लॉग स्पॉट मुबीन टेक मास्टर के अंदर जाकर भी लिंक पर क्लिक करके तरह तरह की एप्लीकेशन जो कि स्टिकर से भरी पड़ी हैं उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज के दो व्हाट्सएप पर टकाटक 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 करके बोर हो चुका है। बोरियत को खत्म करने के लिए हमारे पास है मुबीन मास्टर। अगर आप बोर मेरे जैसे बहुत ही खूबसूरत स्टिकर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक स्पॉट में मौजूद है, वहां पर आप जा तरह के बहुत प्यारे लव किस तरह के स्टिकर्स जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों बाबा में दे रहे हैं हम लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के प्रैक्टिकल टिप्स सकते हैं कि आपने जो है मोबाइल की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अरे अब हम सीखेंगे कि इस एप्लीकेशन में व्हाट्सएप के स्टिकर्स को कैसे डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में स्टिकर मेकर के नाम से सर्च करें, लेकिन इस एप्लीकेशन का लोगो अच्छी तरह जहन में रख लें। अगर आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही क्रिएट अ न्यू स्टिकर पैक पर क्लिक करके ऊपर नीचे कोई भी नाम टाइप कर दें, जैसा कि मैंने मुबीन टेक मास्टर नाम लिखा और एंटर कर दिया। एंटर करते ही इस पैक पर क्लिक करें। अब आपके सामने बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि नंबर 1, 2, 3, 4, लेकिन इन्हीं नंबर्स के जरिए हम अपने स्टिकर्स डिजाइन करेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने नंबर 1 पर क्लिक करके ओपन गैलरी को सिलेक्ट किया, अब मैं अपनी गैलरी में से कोई भी पिक्चर ओपन करूंगा। सबसे पहले कोई अच्छी सी फनी सी खूबसूरत सी पिक्चर्स खींच ले, जैसा कि मैं एक पिक्चर ऐसे खींच लेता हूँ, एक ऐसे करके एक। जैसे ही मैंने अपनी किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट किया, अगर मैं चाहूँ तो सिलेक्ट ऑल करके अपनी पिक्चर को डायरेक्ट भी लेके आ सकता हूँ, लेकिन इससे बेहतर है कि आप इससे थोड़ा सा स्वाइप करें, आगे आपको नज़र आएगा कट स्क्वायर और कट सर्कल। अगर आप अपनी पिक्चर को डब्बा नुमा लेना चाहते हैं तो आप कट स्क्वायर का इंतखाब करें। अगर आप पिक्चर सर्कल नुमा मतलब दायरे के अंदर लेना चाहते हैं तो आप कट सर्कल पर क्लिक करें। जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने कट स्क्वायर पर क्लिक किया, मेरी पिक्चर एक स्क्वायर नुमा इनके मतलब डब्बे के अंदर आ चुकी है। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन जो है वो परफेक्ट नहीं होती, गलत सिलेक्शन होने की सूरत में आप ट्राई अगेन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर की दोबारा सिलेक्शन कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसा ही कर सकते हैं। पिक्चर हमारी ओपन हो चुकी है, इसके इर्द गिर्द लाइन या बॉर्डर या आउटलाइन लगाने के लिए आप आउटलाइन के ऊपर क्लिक करें, जिससे आपकी पिक्चर के इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर लग जाएगा। ऊपर आप अपना कोई भी कलर सेलेक्ट करें, नीचे आउटलाइन विड्थ के ऊपर क्लिक करके आप अपने बॉर्डर के साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको लगाने से आपकी पिक्चर जो है वो एकदम से बढ़िया नजर आती है। फ्रेंड्स अब बारी आती है पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखने की। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एड टू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी पिक्चर के ऊपर कोई भी नेम टाइप कर दूंगा। याद रहे कि नेम का कलर जो है वो ऊपर से चेंज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, आप जौन सा कलर चाहें अपने नेम के ऊपर लगा सकते हैं। अगर बात की जाए नेम को छोटा बड़ा करने की, इसके लिए आप अपने टू फिंगर्स का सहारा लीजिए, मतलब यार आप इसके ऊपर टू फिंगर्स रख कर अगर आप इसे जूम इन या जूम आउट करते हैं तो आपका टेक्स्ट का साइज जो है वो
काम ज्यादा होता हुआ आपको नजर आएगा। सभी कुछ करने के बाद अपने स्टिकर को सेव कीजिए। लेकिन इससे पहले अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं या टेक्स्ट का नेम जो है उसे एडिट करना चाहते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप चाहे इसका कलर चेंज कर दें या इसका नाम चेंज कर दें। लेकिन सभी कुछ करने के बाद आप जस्ट सेव स्टिकर के ऊपर क्लिक करें, आपका स्टिकर आपकी एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इन स्टिकर्स को व्हाट्सएप पे भेजने से पहले और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से हमने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट किया, इसी तरह से हम अपनी कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका स्टिकर डिजाइन कर सकते हैं। यार, आप किसी और नंबर पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप सिर्फ टेक्स्ट भी ले सकते हो, वीडियो भी ले सकते हो, टेक और शॉट मतलब डायरेक्ट कैमरा से तस्वीर भी खींच सकते हो। वो मेरे सज्जनों ते वेलिए तो मित्रों, अब हम इन नंबर्स के ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स जो हैं वो बना चुके हैं। बारी आती है कि इनको व्हाट्सएप के अंदर कैसे सेंड करना है। बस आप क्या करें कि इन स्टिकर को सेव करके ऐड टू व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करें, फिर आपसे दोबारा ऐड मांगा जाएगा, उसको आप क्लिक करें। आपके स्टिकर जो है व्हाट्सएप के अंदर आ चुके हैं। अब आप बस अपना व्हाट्सएप खोलिए, उसके बाद स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो पैक का नेम दिया था, अगर वहां पे लोगो भी लगाया होगा तो वो भी यहां पर आपको शो होगा। अब आप अपने पैक के ऊपर क्लिक करें, आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर मेरे जैसे यार कितने प्यारे जो स्टिकर्स हैं वो आपके व्हाट्सएप के अंदर आ चुके हैं। मैं यहां से किसी को सेंड कर सकता हूं। अगर आप बार बार इस पैक के ऊपर क्लिक करके सेंड करते हैं, उससे बेहतर है कि आप किसी को एक दफ़ा सेंड करें, उसके बाद स्टिकर के ऊपर क्लिक करके ऐड टू फेवरेट कर लें। ऐड टू फेवरेट करने के बाद दोबारा बस आप स्टार के ऊपर क्लिक किया करें और यार आप यहां से किसी को भी व्हाट्सएप के जरिए अपना स्टिकर सेंड कर सकते हैं। हाथ एकदम से रहे हैं, दिल की धड़कन भी तेज हो रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे सब्सक्राइब कीजिए ऐसी टेक्नोलॉजी से बढ़ देखने के लिए। और अगर आपको किसी के से पेश आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना किसी गुब्बर को नहीं लिखेंगे ये लोग। ओके, आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस मसले का हल जो है कौन से ताबना है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी नेक्स्ट के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।